हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। तो दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट और ह्यूमन सेंटीपीड पार्ट टू के अच्छे रिव्यू के बाद फाइनली हाजिर है ह्यूमन सेंटीपीड का फुल सीक्वेंस यानी कि पार्ट थ्री। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटीपीड मूवी के कई कैरेक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस मूवी का बाकी पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाए। और अगर आपने सेंटीपीड मूवी सीरीज के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आप मूवी की स्टोरी लाइन और कैरेक्टर से कंफ्यूज ना हो। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मार्टिन अपना सेंटीपीड कंप्लीट कर चुका था और ये मूवी एक टीवी में चल रही थी। मतलब ये था कि ह्यूमन सेंटीपीड 1 की ही तरह यह भी एक मूवी ही थी जिसे कि टॉम सिक्स द्वारा डायरेक्ट किया गया था, जो कि इस मूवी के असली डायरेक्टर भी है। यहाँ बटलर नाम का एक व्यक्ति अपने बॉस को ह्यूमन सेंटीपीड मूवी दिखा रहा था और इस मूवी में बटलर का रोल पार्ट टू वाले मार्टिन ने ही किया है। और उसके बॉस जिसका नाम कि बिल बॉस था, यह ह्यूमन सेंटीपीड 1 के प्रोफेसर जोसेफ हाइटर ही हैं। इस मूवी में बिल बॉस एक जेल के वार्डन है जो कि टेक्सास में स्थित होती है और बटलर उसका अकाउंटेंट। यहाँ बटलर बिल को ह्यूमन सेंटीपीड मूवी दिखा रहा था, लेकिन बिल को ये मूवी काफ़ी बकवास लगती है। दरअसल बिल एक साइकोपैथ आदमी था और अपने जेल में कैदियों को संभाल नहीं पाता था, इसलिए जेल के कैदी बिल के बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। और बिल उन कैदियों पर अपना डर बनाए रखने के लिए उन पर काफ़ी वायलेंस और अत्याचार करता था। बिल की सेक्रेटरी डेजी उससे कहती है कि उसे सेंटीपीड मूवी काफ़ी पसंद आई, लेकिन बिल उसे बुरी तरह डांटता है और उसके साथ गंदी हरकत करता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। कि तभी बिल की डेस्क का फ़ोन बजता है और उसे पता चलता है कि एक कैदी ने जेल के ऑफिसर पर हमला कर दिया है, जिसकी जांच करने के लिए बिल लॉकअप एरिया में जाता है। और रास्ते में अकाउंटेंट बटलर बिल को ये बताता है कि उनके अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं हैं और अगर यहाँ के कैदी ऐसे ही वायलेंस फैलाते रहें तो उनका मेडिकल कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा और ये भी हो सकता है कि उनकी नौकरी भी चली जाए। लेकिन बिल उस पर ध्यान नहीं देता और लॉकअप एरिया में पहुँचने पर सभी कैदी बिल का मजाक उड़ाते हैं और उसे भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, जिससे कि वो सारा गुस्सा उस कैदी पर निकालता है जिसने कि ऑफिसर को घायल किया था। और वो उस कैदी का हाथ अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ता है जिससे कि उसका हाथ टूट जाता है और उसकी कोहनी की हड्डी बाहर आ जाती है। और वो कैदी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाता है और बाकी के कैदी फिर से बिल को काफ़ी गालियाँ देने लगते हैं। बिल अपने ऑफिस में आ जाता है और अपनी बेइज्जती के कारण काफ़ी परेशान होता है। वो कैदियों को टॉर्चर करने के लिए नए नए तरीके सोचता है, जैसे कि उन्हें उल्टा लटकाकर उनके शरीर पर मांस खाने वाले कीड़े छोड़ देना वगैरह वगैरह। लेकिन बटलर उसे फिर याद दिलाता है कि कैदियों को टॉर्चर और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में पहले ही काफ़ी खर्चा हो चुका है। कि तभी ऑफिस का दरवाज़ा नॉक होता है और डेजी एक पार्सल लेकर आती है जो कि बिल ने अफ्रीका से मंगवाया था। उस पार्सल में एक ऐसी चीज़ थी जिससे खाने के बाद बिल के शरीर को ताकत मिलती, और इस चीज़ का नाम सुनकर व्यूअर्स काफ़ी शॉक हो जाएंगे। कि तभी बिल का फ़ोन बजता है और दूसरी तरफ से कोई बिल को काफ़ी धमकाता है, जिससे कि बिल बहुत डर जाता है। और बाद में पता चलता है कि ये एक कैदी का काम है जिसने जानबूझ के बिल को डराने की कोशिश की है। और बाद में बिल उसका पता लगवा कर उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कपड़ा रखकर 3 बाल्टियाँ खोलता हुआ गर्म पानी उसके चेहरे पर डालता है, जिससे कि उसके चेहरे की सारी चमड़ी पिघलकर उस कपड़े में चिपक जाती है। और जब इसकी खबर टेक्सास की गवर्नमेंट को मिलती है तो बिल की जेल में गवर्नर हक्स आते हैं और बिल को धमकी देकर जाते हैं कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए और वो 2 हफ्ते बाद वापस चेक करने आएगा और अगर बिल का वायलेंस कम नहीं हुआ तो वो उसे नौकरी से हटवा देगा। और यह कहकर गवर्नर हक्स वहाँ से चले जाते हैं। गवर्नर के जाने के बाद बिल काफ़ी गुस्सा और फ्रस्ट्रेट होता है। वो सभी कैदियों को बाहर यार्ड में बुलवाता है और उनमें से एक कैदी को चुनता है। फिर बिल अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उस कैदी को अंदर लॉकअप में लाता है और एक तेज़ धारदार चाकू को गर्म करके उस कैदी के शरीर में घुसाकर वहाँ से कुछ पार्ट्स निकाल लेता है और उसे लंच के लिए पकवाने भेज देता है। और अपने लंच में बिल उसी कैदी के पार्ट्स खाता है जो कि उसने अपने हाथों से निकाले थे।
अपना लंच खत्म करने के बाद बिल जेल के हॉस्पिटल में राउंड के लिए जाता है, जहां वो उसी कैदी के पास जाता है जिसके चेहरे पर उसने गर्म पानी डलवाया था, और उसका जला हुआ चेहरा देखने के लिए बिल उसके चेहरे की पट्टी खींच लेता है, जिससे कि उस कैदी की चमड़ी फिर से खिंच जाती है और उसे काफ़ी दर्द होता है, क्योंकि उसकी चमड़ी के साथ साथ उसके चेहरे का मांस भी खिंच जाता है। और हमें बिल के अंदर का एक शैतानी दरिंदा साफ देखने को मिलता है। जब शाम हो जाती है तो बिल अपने ऑफिस में बटलर से बातें करता है कि कैसे कैदियों को और टॉर्चर किया जाए, जिससे कि वो सभी बिल से डरें। और बटलर को अपने दिमाग में चल रहे एक खतरनाक आइडिया को बिल के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिल जाता है। बटलर बिल से कहता है कि क्यों ना हम कैदियों को ह्यूमन सेंटीपीड मूवी की ही तरह एक बड़े सेंटीपीड में बदल दें, उनके होठों को एक दूसरे के एनस से सील दिया जाए, जिससे होगा ये कि आगे से कोई भी कैदी किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं कर पाएगा, और उनके काफ़ी पैसे कई जगह से बच जाएंगे, जैसे कि उनका खाने का खर्चा और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि सभी कैदी अपने घुटने पर रहेंगे और बिल को रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन बिल को ये आइडिया पसंद नहीं आता, और वो बटलर की काफ़ी बेइज्जती करके उसे वहाँ से जाने को कहता है। बिल जेल में हो रही अपनी डिसरिस्पेक्ट से काफ़ी परेशान था। वो रात में काफ़ी शराब पीता है और उसे सपना आता है कि जेल के सभी कैदी ने उस पर हमला कर दिया है, और जेल के सभी कैदी मिलकर बिल से उनके साथ हो रहे वायलेंस का बदला लेते हैं। इस सपने के बाद बिल काफ़ी डर जाता है, और वो बटलर से तुरंत ह्यूमन सेंटीपीड मूवी के डायरेक्टर टॉम सिक्स से अपॉइंटमेंट फिक्स करवाता है, और जल्दी टॉम सिक्स भी बिल से मिलने उसकी जेल में आ जाता है। बिल अपनी जेल के डॉक्टर के साथ टॉम से मीटिंग करता है और उससे पूछता है कि क्या सच में ह्यूमन सेंटीपीड बनाया जा सकता है, जिस पर टॉम जवाब देता है कि ह्यूमन सेंटीपीड मेडिकली पॉसिबल है, और उसने एम्स्टर्डम के एक हॉस्पिटल में बात की है जहां पर ह्यूमन सेंटीपीड बनाया जा सकता है। फिर टॉम ऑपरेशन रिपोर्ट बिल और उसके डॉक्टर को दिखाता है, जिससे वो डॉक्टर कहता है कि ये मेडिकली पॉसिबल है, लेकिन इन्फेक्शन का रिस्क ज़रूर है, और सभी कैदियों को ज़रूरी विटामिन और न्यूट्रिशन के इंजेक्शन दिए जाए तो ये 100% पॉसिबल है। और इससे सुनकर बिल तुरंत इस ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। और तभी बटलर बीच में बोल पड़ता है कि वो ये सोच रहा है कि कैदियों के दांत ना निकाले जाए और एक ट्यूब को उनके मुंह में डाला जाए, ताकि उसके आगे वाले का वेस्ट मटेरियल सीधा उसके पेट में जाए और होठों को धागे से सिला जाए। फिर उनके घुटनों के लिगामेंट्स को निकालने के बजाय वहाँ इंजेक्शन लगाकर उन्हें टेम्प्ररी पैरालाइज्ड कर दिया जाए, और उनके हिप्स की चमड़ी को ना उधेड़ कर एक लेदर स्ट्रेप लगाया जाए, ताकि जब कैदियों को छोड़ा जाएगा तो उनके ऊपर कोई भी निशान नहीं होंगे, जिसका डायग्राम वो सभी को बताता है, और बिल सेंटीपीड वाले आइडिया पर राजी हो जाता है। टॉम बिल से कहता है कि वो उसका ह्यूमन सेंटीपीड वाला कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, कि जब भी वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा टॉम उसे अपनी आंखों से देखना चाहेगा, और बिल टॉम को ही ऑपरेशन इंचार्ज बना देता है। फिर अपने डॉक्टर से कहता है कि दुनिया भर की सर्जिकल टीम्स को बुलवा ले, क्योंकि जल्द ही वो ऑपरेशन की तैयारी करने वाला है। फिर बिल के दिमाग में एक और आइडिया आता है कि वो सभी कैदियों को बैक टू बैक ह्यूमन सेंटीपीड मूवी दिखाई जाए, उसके बाद वो सभी के साथ होने वाले इस ऑपरेशन को अनाउंस करेगा, ताकि बिल का खौफ उनके जहन में बैठ जाए। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो सभी कैदी डर जाते हैं और बिल पर ही हमला कर बैठते हैं, और बिल को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। सभी कैदी बिल के ऑफिस में घुस जाते हैं, लेकिन बिल वहाँ से भागकर बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और इधर रेस्क्यू टीम के आने से पहले गुस्साए कैदी डेजी पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद पुलिस फोर्स वहाँ आती है और सिचुएशन को कंट्रोल करके सभी कैदियों को वापस सेल में डालती है, और बिल अपनी टीम के साथ बेहोश करा देने वाली गन, जिससे कि जानवरों को बेहोश किया जाता है, उससे सभी कैदियों पर वार करके उन्हें बेहोश कर देता है और ह्यूमन सेंटीपीड के लिए अनाउंस करता है। लेकिन डॉक्टर के अनुसार कुछ ऐसे पेशेंट्स भी थे जो कि सेंटीपीड में फिट नहीं होते थे, और डॉक्टर बिल को उन्हें चेक करने के लिए बुलवाता है। डॉक्टर बिल को बताता है कि एक पेशेंट ऐसा भी है जिसे कि स्टोमा है, और वो अपना वेस्ट एनस की जगह पेट में बने एक आर्टिफिशियल होल से निकालता है, और बिल उसी होल में अपनी गन डालकर उसे मार डालता है, और सारे ऐसे लोगों को मारता जाता है जो कि ह्यूमन सेंटीपीड में फिट नहीं होते। अब ऑलमोस्ट
सेंटीपीड वाले ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी थी और अपनी शर्त के अनुसार टॉम भी वहाँ आ जाता है और ह्यूमन सेंटीपीड के ऑपरेशन को अपनी आंखों के सामने देखता है, जो कि काफी दिल दहला देने वाला नजारा था। फिर बिल उसे कुछ और दिखाता है जो कि सेंटीपीड से बढ़कर भी होने वाला था, जहाँ कुछ कैदियों के उनकी जिंदा हालत में उनके हाथ और पैर को उनकी बॉडी से काटा जा रहा था, जिसे देखकर टॉम को उल्टियाँ होने लगती है और कुछ ही दिनों में अब तक का सबसे बड़ा ह्यूमन सेंटीपीड बन जाता है। और तभी वहाँ गवर्नर हक्स बिल की जेल में हो रहे वायलेंस को चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन बिल उन्हें अपना ह्यूमन सेंटीपीड दिखाता है जो कि जेल के ग्राउंड में चारों तरफ फैला था, जिसे देखकर गवर्नर हक्स चौंक जाता है और बटलर उसे समझाता है कि इस तरह की सजा से उनका काफ़ी पैसा बचेगा, जैसे कि उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें संभालना भी नहीं पड़ेगा और ये सभी अपनी सारी ज़िंदगी में कोई भी क्राइम नहीं करेंगे। कि तभी बटलर देखता है कि सेंटीपीड के बीचों बीच बिल की सेक्रेटरी डेजी को भी सील दिया गया था और बिल उसे बस एक जेंडर टेस्ट बोल के ये बात यहीं ख़त्म कर देता है। अब बिल गवर्नर हक्स को उन कैदियों के पास ले जाता है जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी, और ये वही कैदी थे जिनके हाथ और पैर काट दिए गए थे और उन्हें एक बिना हाथ पैर वाले सेंटीपीड में तब्दील कर दिया गया था। फिर बिल गवर्नर को ये भी बताता है कि जिन कैदियों की सज़ा पूरी हो जाएगी उन्हें सेंटीपीड से हटा दिया जाएगा और उनके होठ और एनस पर छोटे छोटे निशानों के अलावा कुछ भी नहीं होगा, जिसकी टेस्टिंग वो सक्सेसफुली कर चुके हैं। लेकिन गवर्नर बिल की इस हैवानियत से नाराज होता है और उसे मौत की सज़ा दिलवाने की बात करके वहाँ से जाने लगता है, और गुस्से में बिल जेल के डॉक्टर और बटलर को मारकर अपने बनाए सेंटीपीड पर खुश होता है। कि तभी गवर्नर हक्स फिर आता है और वो बिल से कहता है कि उसका आइडिया काफ़ी अच्छा है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं आपको ह्यूमन सेंटीपीड के पार्ट 3 को देखने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये मूवी ह्यूमन सेंटीपीड का सबसे ख़राब पार्ट है, जिसकी स्टोरी तो बेहुदा है ही, साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी काफ़ी बेकार किया गया है। लेकिन फिर भी आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि और भी वीडियोज़ जल्दी ही आने वाले हैं।